हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ भूपेन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रातीबड़ कैंपस। जैसा हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पढ़ते आ रहे हैं, अभी अपन ने 5th नंबर की यूनिट पढ़ी है, ठीक है। और इसी में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, अभी बेसिक्स ऑफ लेथ मशीन, उसके ऑपरेशंस तो अभी पढ़े नहीं, अपन ने कंपोनेंट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब हम इस क्लास में आज अपन ऑपरेशन पढ़ते हैं उसके, ठीक है। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं लेथ मशीन के, टर्निंग, वैसे तो इसमें बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, पर मैक्सिमम मैंने जो लिखे हुए हैं जो कि बहुत नॉर्मल से हैं, और आपको जो भी कोई भी आप ऑपरेशन या आप जॉब परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर, लेथ मशीन के ऊपर, तो इनमें से बहुत सारे हमको परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। जैसे टर्निंग, चैम्परिंग, पॉलिशिंग, थ्रेड कटिंग, ग्रूविंग, फेसिंग, स्पिनिंग, नर्लिंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, काउंटर बोरिंग, टैपर बोरिंग, इंटरनल थ्रेड कटिंग, ठीक है, अंडर कटिंग, पार्टिंग ऑफ, ग्राइंडिंग, मिलिंग, ठीक है। अब इसमें से कुछ तो जैसे आपने लास्ट में देख रहा है ग्राइंडिंग और मिलिंग, तो ये तो अपने आप में एक एक मशीन्स हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जैसे बोरिंग हुआ, फिर उसका काउंटर बोरिंग होनी है, टेपर बोरिंग होनी है, ठीक है। एक थ्रेड कटिंग होती है, जो आउटर थ्रेड कटिंग को अपन थ्रेड कटिंग ही बोलते हैं, ठीक है। इंटरनल थ्रेड कटिंग को अपन इंटरनल थ्रेड कटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर इसमें जैसे टर्निंग है, सबसे जो पॉपुलर मेथड है या ऑपरेशन है लेथ मशीन के ऊपर, वो है टर्निंग। अब अपन टर्निंग के बारे में देखते हैं कि टर्निंग क्या होती है। टर्निंग का मतलब ये होता है कि किसी भी जॉब पीस के ऊपर से मेटल को रिमूव करना, ठीक है, जो एक्सेस मटेरियल है उसको रिमूव करना टर्निंग कहलाती है। टर्निंग इज इन अ लेथ इज टू रिमूव एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस टू प्रोड्यूस अ कॉनसेप्ड और अ सिलिंडर सरफेस। द वेरियस टाइप्स ऑफ टर्निंग मेड इन लेथ वर्क फॉर वेरियस पर्पसेस, ठीक है। जिसमें स्टेट टर्निंग को अपन दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक रफ होती है, दूसरा फिनिश होती है। अब सबसे पहले नंबर टर्निंग अपन देखते हैं कि टर्निंग का मतलब क्या होता है। क्या होता है कि जब भी अपन किसी भी लेथ मशीन का मतलब है कि हमको सिलिंड्रिकल जॉब का उसमें यूज करना है, ठीक है। आपने सिलिंड्रिकल एक जॉब को लगाया, अब कई बार क्या होता है कि वो इसेंट्रिक रहते हैं, मतलब सेंटर उनका कोलिनियर नहीं होता है, एक चीज, ठीक है ना। दूसरा ये है कि सरफेस थोड़ी सी रफ टाइप की है। रफ मतलब है कि उसमें जैसे कास्टिंग से अगर कोई मटेरियल बना हुआ है, ठीक है, तो उसके कारण वो जॉब पीस है, तो उसमें कहीं एक्सेस में मटेरियल आ गया, कहीं पर ग्रूव बने हुए हैं या कहीं पर उसमें कैविटी बनी हुई है। तो हमें कोई भी ऑपरेशन, जैसे आपको बोल्ट बनाना है, ठीक, बोल्ट बनाना है, तो उसमें हम जो बोल्ट देखते हैं तो उसका जो डायमीटर होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक, थ्रू आउट। पर जो जॉब पीस हम लेते हैं कास्टिंग से निकला हुआ, उसमें क्या होता है कि डायमीटर भी अनइवन होता है। तो सबसे पहले अगर आपको उसमें थ्रेडिंग करनी है या फिर आपको पिन बनानी है, पिस्टन पिन कहलाती है, या फिर आपको दूसरी पिन बनानी, लॉक पिन बनानी है, ठीक है, तो उस टाइम पर हमको क्या करना पड़ता है कि पहले उस जॉब को लेथ मशीन के ऊपर टर्न करना पड़ता है। टर्न करने का मतलब है कि हम उसमें से एक्सेस मटेरियल या अनइवन जो डायमीटर है उसको सबसे पहले हम एक्सेस मटेरियल को रिमूव करके एक पर्टिकुलर डायमीटर में ले आते हैं, और सिलिंड्रिकल शेप होता है उसमें, ठीक है। तो इसमें दो टाइप की टर्निंग होती है स्टेट टर्निंग में, पहला रफ टर्निंग, दूसरा फिनिश टर्निंग। इन दोनों का बेसिक अंतर देखो, वो तो बाकी तो ठीक है। रफ टर्निंग में जो फीड होती है या मेटल रिमूवल की जो रेट होती है या जो डेप्थ ऑफ कट होती है वो ज्यादा होती है, जैसा कि हमको यहाँ पर इसमें दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, इसमें अगर हम देखें तो ये जॉब पीस है और टर्न होने के बाद में डायमीटर हमको ये मिल रहा है, ये इसका बेसिक डायमीटर है जो जिसका हमने जॉब को फिक्स किया है, और ये वाला जो है ये डायमीटर हमको टर्निंग करने के बाद मिला, ये रफ टर्निंग है। वहीं फिनिश टर्निंग में देखोगे अगर आप, तो इसमें ये इसका बेस डायमीटर है, ठीक है, और यहाँ आप जो टर्निंग कर रहे हो वो टर्निंग यहाँ पर डायमीटर, एक डायमीटर ये है, दूसरा डायमीटर ये है, ठीक है, और तीसरा डायमीटर हमको फाइनल ये वाला मिल रहा है। इसका मतलब है कि फिनिश टर्निंग में मेटल रिमूवल की जो रेट होती है वो कम होती है, ठीक है, या फिर अपन ऐसा बोलते हैं कि हम डेप्थ ऑफ कट या फीड इसमें कम देते हैं, ठीक है। फीड और डेप्थ ऑफ कट कटिंग या मेटल रिमूवल से ही रिलेटेड है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी सिर्फ आप इतना देखो कि फीड मतलब होता है कि हम उतना फीड दे रहे हैं तो वो कटिंग करेगा उसको, ठीक है, मेटल को रिमूव करेगा।
अब ये यहां से ये मेटल इसमें एक ही बार में इतनी मेटल रिमूव हो गई, ये रफ टर्निंग है, ठीक है। इसमें जबकि और क्या होता है, एक चीज और कि जब अपन रफ टर्निंग करते हैं तो रफ टर्निंग करते समय मशीन के ऊपर लोड पड़ता है, मोटर के ऊपर भी लोड पड़ता है, मशीन के ऊपर भी लोड पड़ता है, प्लस ये जो टूल की नोज होती है उसके ऊपर भी लोड पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है कि अगर आप रफ टर्निंग कर रहे हो तो टूल की नोज डैमेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इन फिनिश टर्निंग। फिनिश टर्निंग में ये चीज नहीं होती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें हम जो फीड दे रहे हैं वो कम दे रहे हैं, तो थोड़े थोड़े मेटल रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पर उतना लोड प्रेशर भी नहीं डेवलप हो पा रहा है, ठीक है, और जॉब भी आसानी से रोटेट करेगा, मोटर के ऊपर भी उतना लोड नहीं पड़ेगा। तो फिनिश टर्निंग और रफ टर्निंग में अंतर समझ में आ गया आप लोगों को कि रफ टर्निंग में हम मेटल रिमूवल की जो रेट होती है वो ज्यादा होती है, फिनिश टर्निंग में मेटल रिमूवल की रेट कम होती है। रफ टर्निंग हमेशा किसी भी ऑपरेशन को करने के पहले जब हम इनिशियल स्टेज में जॉब को लेथ मशीन के ऊपर फिक्स करते हैं तभी रफ टर्निंग होती है, ठीक है, इसके बाद में बीच में कहीं रफ टर्निंग नहीं होगी, ठीक है। तो वो जो टर्निंग है वो रफ टर्निंग कहलाती है जो स्टार्टिंग में है, ठीक है। और फिनिश टर्निंग जो है वो फिनिश टर्निंग में आप जॉब जो बनाया है आपने तो उसमें थोड़ी सी मटेरियल को रिमूव करना है आपको, तो वो थोड़ा सा मटेरियल रिमूव करते हैं अपन, उसमें वो फिनिश टर्निंग होती है, ठीक है। शोल्डर टर्निंग आती है इसी में, टेपर टर्निंग आती है। शोल्डर टर्निंग क्या होती है, ये जो प्रोसेस अपन टर्निंग की करते हैं वही होती है, जैसे आपने पहले वाले इसके पहले वाले जॉब में स्लाइड में देखा था, ये इस तरीके की टर्निंग, उसमें बी टाइप की जो टर्निंग आपको दिख रही है ये है, ये आपको वहां पर दिख रही थी, ठीक है ना। यहाँ एक बिल्कुल स्ट्रेट टर्निंग है, स्ट्रेट टर्निंग मतलब यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कॉनिकल शेप आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें आपको स्पेरिकल शेप दिख रहा है और इसमें अंडरकट दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये चार टाइप का है, एक स्ट्रेट है, ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये कॉनिकल शेप आपको दिख रहा है, तीसरा स्पेरिकल है, ठीक है, और चौथा अंडरकट है। ये टूल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा टूल यूज कर रहे हैं और उसके हिसाब से अपन को यहाँ पर ये शेप मिलते हैं, ठीक है। ये शोल्डर से मतलब ये है कि दो डायमीटर, जॉब के दो डायमीटर के बीच में जो एज आती है उसको अपन शोल्डर बोलते हैं, तो वहां पर अपन उसको शेप देना है, तो जैसा शेप आप देना चाहो वैसा अपन शेप दे देते हैं, ठीक है। टेपर टर्निंग मतलब अपन को कौन शेप में बनाना है, ठीक है। तो ये फार्म टूल है, फार्म टूल का यूज करते हैं टेपर टर्निंग करने के लिए, या फिर अपन जो क्रॉस स्लाइड आपने देखा हुआ था वहां पर कॉम्बिनेशन सेट देखा था, उससे उसका भी यूज करके अपन यहाँ पर टेपर टर्निंग कर देते, उसको टर्न कर दीजिए, टर्न करने के बाद में आप इससे व्हील से फीड दीजिए, तो ये जो टूल है ये टूल यहाँ से इस तरह मूव करेगा तो यहाँ पर ये कटिंग लगता जाएगा और जॉब तो रोटेट हो ही रहा है, ठीक है, तो जॉब रोटेट होता जाएगा और कॉनिकल शेप हमको मिलता जाएगा, या फिर अपन इसको फार्म टूल से कर देते हैं, ठीक है। अब इसके जो और डिफरेंट टाइप्स हैं ऑपरेशंस के, उसमें जैसे पार्टिंग ऑफ है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग अ वर्क पीस आफ्टर इट हैज बीन मशीन्ड टू द डिजायर्ड साइज एंड शेप। क्या होता है कि जैसे आपने एक पीस लिया जॉब का, ठीक है, लंबाई उसकी कुछ भी है, एक्स वाई जेड अपन 1 फुट मान लेते हैं कि उसकी लंबाई है, अब उसके ऊपर आपको पुली बनानी है, ठीक है, तो हम उसको जो पुली बनाएंगे तो उसका पार्टीशन करते जाएंगे, एक पुली उसके बाद पार्टीशन, तो उसका जो डायमीटर है या जो शाफ्ट है हम उस शाफ्ट को, जैसे आपने 2-4 सेंटीमीटर डायमीटर की आपने रॉड ली, ठीक है, उसको आपने पहले टर्निंग किया, टर्निंग करने के बाद में अपन जो रिक्वायर्ड डायमीटर की पुली बनानी है वो रिक्वायर्ड डायमीटर आ गया, इसके बाद में फिर आपको पुली बनानी, तो आपने ग्रूव बना दिया, अब वो ग्रूविंग ग्रूविंग से बनता है, ठीक है। अब उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे उसमें कि दो पुली के बीच में हम एक कट लगा देंगे, ठीक है, तो वो कट लगा देंगे तो उससे हमको क्या होगा कि दो पुली अलग अलग दिखने लगेंगी, एक साफ बीच में थोड़ी सी मटेरियल हो जाएगा उसमें, तो वो साफ का काम करने लगेगी, ठीक है, तो वो पार्टिंग ऑफ होता है। अभी अपन डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोरिंग ड्रिलिंग जैसे अपन ने देखा था इसमें कि ड्रिलिंग भी पॉसिबल है लेथ मशीन के ऊपर, तो वही चीज अपन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ड्रिलिंग कैसे होती कि आप जो उसका टेल स्टॉक है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि टेल स्टॉक में डेड सेंटर को निकाल के अपन ड्रिल बिट को फिट कर देंगे तो उसके फेस पर जाकर के वो ड्रिल कर देगा। इसमें ड्रिल बिट नहीं रोटेट होती है, जॉब रोटेट होता है, जबकि ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है, जॉब फिक्स होता है और टूल रोटेट करता है, इसमें आपको जॉब
रोटेट करता है और टूल फिक्स रहता है, तो वहां पर ड्रिलिंग हो जाती है। उस ड्रिलिंग को, जो ड्रिलिंग आपने करी है उसके डायमीटर को एनलार्ज करना बोरिंग कहलाता है। ध्यान से रख लेना इस चीज पे ना, बोरिंग कोई अलग से ऑपरेशन नहीं होता है, बोरिंग एक ड्रिलिंग का ही ऑपरेशन है, बस जो ऑलरेडी ड्रिल्ड है होल, ठीक है, उस होल को एनलार्ज करना रहता है। अब ये जो होल है ये बाय मीन्स ऑफ ड्रिलिंग, पंचिंग, कास्टिंग और फोर्जिंग, ये किसी भी मेथड से अपन इसको बोरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ड्रिलिंग रहती है और उसके बाद में उसको अपन एनलार्ज कर सकते हैं, बोरिंग हो जाएगा। अंडर कटिंग, ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ बोरिंग अ ग्रूव और अ लार्ज होल एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द होल। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपको अंदर कॉलर बनानी है, ठीक है, कि एक होल है, होल के बाद में एक कॉलर आपको बनानी है वहां पर, तो वो अंडर कटिंग कहलाती है। मतलब उसमें होल के एक पर्टिकुलर पोर्शन को अपन और ज्यादा एनलार्ज कर देते हैं तो वो अंडर कटिंग कहलाने लगी। अभी आप डायग्राम में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अंडर कटिंग और बोरिंग में क्या डिफरेंस होता है। थ्रेड कटिंग, थ्रेड कटिंग तो आप जानते हो, थ्रेड कटिंग की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ हेलिकल ग्रूव ऑन अ सिलिंड्रिकल और कॉनिकल सरफेस बाय फीडिंग द टूल लॉन्गिट्यूडनली व्हेन द जॉब इज रिवॉल्व बिटवीन सेंटर्स और बाय द चक। क्या होता है, छोटा जॉब है चक पर फिक्स कर लो, बड़ा जॉब है तो आप उसको दोनों सेंटर के बीच में फिक्स कर दो, ठीक, थ्रो आउट आपको अगर उसमें थ्रेडिंग करनी है, और अगर आपको एंड पर थ्रेडिंग करनी है तो आप उसको चक के ऊपर फिक्स कर दीजिए, ठीक है। ये यही वो प्रोसेस है जिसमें अपन 4-जा चक का यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ 3-जा चक, ठीक है, सेंटरिंग, क्योंकि इसमें सेंटरिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है थ्रेड कटिंग में, ठीक है। इंटरनल थ्रेड कटिंग, ये प्रोसेस थ्रेड कटिंग के जैसे ही है या आउटर थ्रेड कटिंग के जैसे ही, अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें स्पेशल टूल अपन यूज करते हैं जो कि अंदर की तरफ से थ्रेडिंग करता है, जैसे कि नट के ऊपर होता है, नट में इंटरनल थ्रेडिंग होती है और बोल्ट में आउटर थ्रेडिंग होती है, ठीक। तो ये इंटरनल थ्रेडिंग है, दिस इज सिमिलर टू द एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग ऑपरेशन, ओनली डिफरेंस बीइंग इन द टूल यूज्ड, टूल अलग होता है इसमें। द टूल इज सिमिलर टू अ बोरिंग टूल विथ कटिंग एज इज ग्राउंड टू द शेप कन्फॉर्मिंग टू द टाइप ऑफ थ्रेड टू बी कट, ठीक है। अब इसमें वो भी डायग्राम देखोगे ना तो आपको टूल समझ में जाएगा टूल कैसा होता है। पहले तो अपन को बोरिंग का टूल समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर अपन को इंटरनल थ्रेड कटिंग का टूल समझ में आ जाएगा। स्पिनिंग, स्पिनिंग एक ऐसी मेथड होती है कि जैसे आपको क्या बोले, जैसे किसी चीज का आपको कवर बनाना है, ठीक है, एक सॉलिड पार्ट है उसको अपन को कवर बनाना, जैसे कि आप एक क्यूबिकल शेप को जैसे अपन गिफ्ट देते हैं तो अपन क्या करते हैं उसकी पैकिंग करवाते हैं पैकिंग पेपर से, तो वो उसका शेप साइज का कट करके और फिर उसको वो पैक कर देता है, ठीक है। वैसे ही सेम चीज होती है स्पिनिंग में कि जैसे आपको एक बैटरी दे दी जाए और बैटरी को ये बोला जाए कि इसको कवर करो आप सीट मेटल से, तो सीट मेटल सीट से अपन उसको चारों तरफ से कवर करेंगे। ये प्रोसेस सिलेंड्रिकल शेप में या सिलेंड्रिकल जॉब पीस के लिए अपन लेथ मशीन के ऊपर करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। जैसे आपको एक रोलर दे दिया गया है, ठीक है ना, और उसको बोला गया है कि ये इसको आपको कवर करना है एक थिन मेटल शीट से, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि उसको उसको बोलते हैं फार्मर, ठीक है, जिस चीज को का कवर बनाना है उसको बोलते हैं फार्मर। उसको अपन स्पिंडल के ऊपर फिक्स करते हैं, हेडस्टॉक के स्पिंडल के ऊपर अपन फिक्स करते हैं और उसके बाद में फिर एक मेटल की सीट चढ़ा देते हैं अपन उसके लेफ्ट एंड पर, जिसको अपन किससे सपोर्ट कर देते हैं टेलीस्टॉक से। उसके बाद में फिर एक टूल होता है, उस टूल से अपन उसको प्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है कि वो उसको जो उसकी शेप होता है उस शेप पर वो चिपकता जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ स्टील सॉरी थिन सीट ऑफ मेटल बाय रिवॉल्विंग द जॉब एट हाई स्पीड एंड प्रेसिंग इट अगेंस्ट अ फार्मर अटैच्ड टू द हेडस्टॉक स्पिंडल, अ सपोर्ट इज आल्सो गिवन फ्रॉम द टेलीस्टॉक एंड, ठीक है, वही चीज अपन उसको प्रेस करेंगे, हाई स्पीड पर घुमाएंगे उसको, फार्मर के ऊपर वो जो शेप होगा फार्मर का उस शेप का वो बन जाएगा और वो हमको बाद में थिन सीट बाहर निकाल देंगे तो वो उसका कवर के जैसा हो जाएगा, ठीक है। नर्लिंग, नर्लिंग इज द प्रोसेस ऑफ एम्बोसिंग अ डायमंड शेप पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ अ वर्क पीस। द पर्पस ऑफ नर्लिंग इज टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव ग्रिपिंग सरफेस, ठीक है।
जैसे हम देखते हैं कि जो रॉड होती है, आयरन रॉड होती है, स्टील रॉड होती है, तो उसमें जैसे घर में हम कई बार देखते हैं तो जो चम्मच होती हैं उनके भी जो राउंड हैंडल होता है उसमें लास्ट में ग्रिपिंग होती है, ठीक है, ग्रुप ग्रुप टाइप के ग्रिपिंग, मतलब डिजाइन टाइप की बनी हुई रहती है, ठीक है। तो वो या किसी चीज के हैंडल में अपन देखते हैं जो थोड़ा सा हैवी होता है या बड़ा होता है, तो उसमें भी देखते हैं हम वहां पर, या स्क्रू ड्राइवर में अगर अपन देखें तो स्क्रू ड्राइवर में ये तो अपन प्लास्टिक का हैंडल देखते हैं, ठीक है। एक आयरन का भी स्क्रू ड्राइवर आता है जिसमें कि हम ये ग्रुप रहता है, इस तरीके का ग्रुप रहता है। तो ये ग्रुप या उस तरीके की डिजाइन बनाना नर्लिंग कहलाती है, और ये बेसिकली काय के लिए होती है, ग्रिपिंग के लिए दी जाती है। फेसिंग, फेसिंग इज द ऑपरेशन ऑफ मशीनिंग द एंड्स ऑफ द पीस ऑफ वर्क टू प्रोड्यूस अ फ्लैट सरफेस स्क्वायर विद द एक्सेस, ठीक है। तो ये जो फेसिंग होती है, फेसिंग का मतलब ये होती है जैसे आपने एक सिलेंडर लिया, दोनों एंड पर आपको सर्कुलर शेप दिख रहा है उसके, अब उसको भी आपको साफ करना है, तो वहां पर अपन टूल की नोज को यूज ना करके एज को यूज करते हैं, और वो उसकी सरफेस को क्लीन कर देता है। क्लीन करने के साथ में अनवांटेड मेटल है या एक्सेस ऑफ मटेरियल है तो उसको भी वो रिमूव कर देता है, तो फेस भी वहां पर फिनिश्ड हो जाती है। ये है इसकी प्रोसेस, ठीक है। अब अपन देखते हैं, आपको ड्राइंग से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी कैसी कैसी प्रोसेस होती है। पार्टिंग ऑफ में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये पूरा जॉब पीस है, यहाँ से यहाँ तक ये जॉब पीस है, ये इतना पोर्शन आपने यहाँ से, ये इतने में हमने मशीनिंग कर दी, ये अलग अलग स्टेप आ गई, इसके बाद में फिर से चालू हो गई वही स्टेप होना यहाँ से, और हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं, डायमीटर इस जॉब का कम बचता है, ये पार्टिंग टूल कहलाता है, ठीक है। यहाँ से ये कट हो जाता है, अंडर कट, अंडरकट में ये टूल है, इस तरीके का टूल यूज करते हैं, ये बोरिंग है, ठीक है। ये बोरिंग आप देखो यहाँ पर, ये आपको बोरिंग दिखेगा, ठीक है। बोरिंग का मतलब ये होता है कि ये इसका साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें ये टूल यहाँ से लगा हुआ है, ये मेटल रिमूव कर रहा है यहाँ से, और होल बड़ा होता जा रहा है, ये जॉब पीस है, ये एक नंबर जॉब पीस है, ठीक है। और यहाँ से ये टूल इसको कट कर रहा है 3 नंबर का, और ये इसका ये डायमीटर इतना मिल रहा है। अब अगर अपन वही चीज देखें तो यहाँ पर ये डायमीटर यहाँ से ये बढ़ता जा रहा है, ये होल ऑलरेडी है इसके अंदर, इस होल को और एनलार्ज कर रहे हैं अपन, तो ये यहाँ से ये टूल यहाँ ये कट कर रहा है, कट करता जा रहा है ये टूल, ठीक है। तो ये मेटल रिमूव होती जाए, इसमें ये फिक्स है, ये केवल रेसिप्रोकेट मोशन में चलता है क्योंकि ये कैरिज के ऊपर फिक्स है, रोटेटरी मोशन पर ये जॉब पीस होता है, ये घूमता रहता है। सेम चीज, अब इसी होल को अगर आपको कॉलर बनानी है, कॉलर बन रही है, ठीक है ना, तो ये अंडरकट में होता है, ये जॉब टूल जाएगा इस जॉब के अंदर, और फिर इसमें धीरे धीरे करके हम इसको फीड देंगे, ठीक है। और फीड जैसे देंगे इसमें तो ये कट लगने लगेगा, धीरे धीरे करके फीड बढ़ाते जाएंगे तो फिर ये रोल होता जाएगा, ये रोटेट होता रहता है यहाँ पर, ठीक है, अपनी चक के ऊपर फिक्स रहता है ये, ठीक है। और यहाँ से ये कैरिज के ऊपर है तो यहाँ से ये इसको कट कर देगा, तो ये और गैप इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है अंडर कटिंग, ठीक है। अपन ये कॉलर डेवलप कर दी इसमें, ठीक है। इंटरनल थ्रेड कटिंग, ये इंटरनल थ्रेड कटिंग है, ये यहाँ पर आपने इसको क्रॉस स्लाइड टूल पोस्ट की हुई, ये टूल पोस्ट दिख रहा है, टूल पोस्ट के ऊपर के नीचे क्रॉस स्लाइड लगी हुई है, क्रॉस स्लाइड पर हमने टूल पोस्ट के ऊपर हमने टूल फिक्स कर दिया। अब यहाँ से आपको थ्रेडिंग करनी है तो ये थ्रेडिंग करते हैं, लेकिन इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये जो कैरिज है ये कैरिज किससे कनेक्ट रहती है, लीड स्क्रू से, लीड स्क्रू से कनेक्ट। जब भी अपन इंटरनल या आउटर आप थ्रेड कटिंग करेंगे कहीं पर भी, तो आपको यहाँ पर इस टूल के मूवमेंट को ऑटोमेटिक करना पड़ेगा, वो लीड स्क्रू से होगा, हाथ से नहीं होता। अगर हम मैनुअली इसको मूव कराएंगे तो ये आगे पीछे होगा, तो जिससे ये थ्रेडिंग जो है वो थ्रेडिंग अनइवन हो जाएगी, तो उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, लीड स्क्रू पर फिक्स कर देते हैं इसको, ठीक है। और फिर ये यहाँ पर कट करता है। ये ग्रूविंग है, ग्रूविंग का मतलब ये होता है कि अलग अलग साइज में या शेप में आपको ये पार्टीशन करना है, तो वो ये अलग अलग टूल है, जैसे ये कॉनिकल शेप दिख रहा है, ये आपको सिलेंड्रिकल दिख रहा है, ये फ्लैट दिख रहा है, जो पार्टिंग टूल है ये भी वही ग्रूविंग ही कर रहा है, यहाँ से कटिंग कर रहा है, तो ये अलग अलग शेप के हम ग्रूविंग करते हैं। ये स्पिनिंग की प्रोसेस है, देखो ये पहले ये सीट थी, ये जो आपको एक्सिस टाइप का दिख रहा है ना, ये पहले सीट ऐसी रखी थी, ठीक है। इसके बाद में ये फार्मर है,
ये स्पिंडल के ऊपर फिक्स है, चक के ऊपर भी फिक्स कर सकते हैं इसको कैसे भी, कि हमको सीट को टर्न करके इस शेप का बनाना है। ये भगोनी के टाइप का आपको शेप दिख रहा है, टप के जैसा, ठीक है, ये बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सीट को यहाँ फिक्स किया, ये अपन ने एंड स्टॉक से इसको सपोर्ट दे दिया। अब इसके बाद में ये फॉर्म टूल है, ये आया यहाँ पर और ये प्रेस करेगा इसको, तो ये रोटेटरी कंडीशन में ये धीरे धीरे करके ये सीट दबती जाएगी और दबते दबते इसकी पूरे इसकी सरफेस जितनी पैराफेरी होगी उस पूरे को ये कवर कर लेगी और इस तरीके से शेप आ जाएगा। उसके बाद हम इस फार्मर को अलग कर देंगे, तो हमको ये अंदर से हालो ये मेटल का सीट मिल जाएगी, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर शेप में जो हमको चाहिए उसके हिसाब से। नर्लिंग, ये वो नर्लिंग है जो मैंने आपको बताया था, ये भील होते हैं, ठीक है ना, ये इसी एक्सिस अपने इस एक्सिस के ऊपर रोटेट होते हैं। जैसे यहाँ पर नर्लिंग एक प्रोसेस है जिसमें से मेटल रिमूव नहीं होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, मेटल रिमूव नहीं होती है। ये जैसे ही हम यहाँ से प्रेस करेंगे इसको, तो जो शेप का यहाँ पर ये व्हील होगा, ये व्हील हार्ड मटेरियल का बनता है, ये अलग अलग व्हील है, जैसे इसमें दो व्हील लगे हुए हैं, यहाँ दो व्हील कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, कई जगह एक व्हील भी कॉन्टेक्ट में अपन कर देते हैं उसको, ये डिवॉल्व होगा यहाँ पर और ये व्हील इससे आकर के टच होंगे, तो यहाँ पर वो उस पर्टिकुलर साइज शेप का आपको जो भी डिजाइन आ रही है वो डिजाइन यहाँ पर मिल जाएगी, तो ग्रिपिंग हो जाती है। ये फेसिंग है, ये एंड फेस है इसकी, और ये अपन ने टूल की सरफेस को एक साइड को अपन ने इससे टच कर दिया और उसके बाद इसको रोटेट करते जाएंगे तो जो एक्सेस ऑफ मटेरियल है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा या इसको साफ कर देगा, ठीक है। चैम्परिंग, चैम्परिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम कटिंग करते हैं कहीं पर, तो जैसे ये नाइफ एज आ रहा है, ठीक है ना, तो ये नाइफ एज डेंजरस होते हैं ऑपरेटर के लिए या हैंडलिंग के लिए डेंजरस होते हैं, तो हम क्या करते हैं इस नाइफ एज को कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कट करने के लिए हम ये टूल का यूज करते हैं और फिर इसको यहाँ लाए और जॉब्स से कांटेक्ट में, यहाँ पर हम इसके एंड एज को कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है, इसकी नोज को नहीं लाते हैं, तो वो क्या करेगा कि जो नाइफ एज है यहाँ पर ये इसके ये एक्सेस थोड़ा थोड़ा मटेरियल को हटाता जाएगा, इसको अपन बोलते हैं चैम्परिंग, ठीक है ना। ये है थ्रेड कटिंग, इसमें आपको अब समझ में आ जाएगा, ये आउटर थ्रेड कटिंग या थ्रेड कटिंग, ये दोनों लाइव स्टॉक, लाइव सेंटर और डेड सेंटर के बीच में जॉब पीस रिवॉल्व हो रहा है यहाँ से, ठीक है। ये लीड स्क्रू है, ठीक है, और ये कैरेज है, कैरेज के ऊपर ये टूल पोस्ट के ऊपर फिक्स है, ठीक है। अब हम यहाँ से जैसे ही हाफ नट मैकेनिज्म से इस कैरेज को इस लीड स्क्रू से कनेक्ट करेंगे, जो गियर रेशो हमने यहाँ पर गियर बॉक्स के अंदर लिया है वो हर लेथ मशीन के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि आपको थ्रेडिंग करनी है, तो उसमें ये इतने टीथ के गियर आपको 1, 2, 3, 4 गियर में आपको फिक्स करना है। जैसे यहाँ पर अपन को 3 गियर दिख रहे हैं, 1, 2, 3, तो इनकी वो नंबरिंग लिखी रहती है कि आपको इतने नंबर का गियर, ये गियर सब उसमें रहते हैं, रखे हुए रहते हैं एडिशनल, ठीक है। तो आपको जितने जैसी थ्रेडिंग ये चाहिए उस थ्रेडिंग के हिसाब से अपन ये पहले गियर के सेट को बदल लेते हैं और उसके बाद में फिर इसको चालू कर देते हैं, हाफ नट को इंगेज कर देते हैं, ये यहाँ से हाफ नट से ये कैरेज मूव कर दी जाती है और यहाँ पर अपन को थ्रेडिंग, अपन को सिर्फ एक काम करना रहता है इसमें, जैसे एक बार थ्रेडिंग हो गई पूरी तो इस टूल को अपन वापस बाहर की तरफ खींच लेते हैं, अगली बार फिर ये वापस आएगा राइट साइड में, फिर हम इसकी फीट को थोड़ी सी बढ़ा देंगे और फिर इसको ऑन कर देंगे, इस कैरेज को नहीं छुएंगे हम, सिर्फ इसके ए बी स्विच से अपन इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करवाते जाएंगे, तो ये जो अपनी कैरेज है ये कैरेज अपने आप मूव होती रहती है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में, और हम यहाँ से केवल फीड बढ़ाते जाते हैं तो ये कटिंग हो जाती है इसमें, ठीक है। ये है थ्रेड कटिंग, ठीक है, ये अपने ऑपरेशन है इसके लेथ मशीन के। अब इसमें जो और चीज़ें हैं इसकी वो अपन अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, जैसे डेप्थ ऑफ कट है, फीड है, ठीक है, इनको और टूल के बारे में और बताऊंगा, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे, ठीक है, चलिए, थैंक यू।